हेलो, हाँ जी, सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? सियालकोट से मस्कीन अली बात कर रहा हूँ सर। सुनाए इस वक्त किस कैसे हैं? इस वक्त किस मुल्क से हैं? इस वक्त पाकिस्तान में हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में ही है, क्योंकि इस वक्त यूरोप का टाइमिंग चल रही है, तो चलें फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैंने ना कुर्बानी के लिए जानवर लिया है भैंस के, जी तो उसका एक फार्मूला था वो आपसे सेट करवाना था। उसमें मैंने ना अपने तौर पे एक रखा हुआ है, उसमें 25% कनोला मील है, 30% मकई है, सोयाबीन जो है वो 8% है, और उसमें डीसीपी मिनरल ये सब 1-1% है, 17% उसमें चोकर और 17% उसमें राइस पॉलिश है। ठीक। तो मेरे एक ना जानने वाले फार्मर हैं गुजरांवाला से, उनके जानवर जो है ना आउट क्लास होते हैं। मैं असल में उनके मुकाबले में जानवर तैयार करना चाहता हूँ। कास्ट की कोई बात नहीं, वंडा जो प्रेफर आप करेंगे मैं वही डालूंगा। मैं बहुत दिनों से कॉल कर रहा था, नहीं वसूल हो रही थी। अच्छा, चले, मैं आपका नोट कर लूँगा। अभी मैं, चूँकि यूरोप वाले बेचारे इंतज़ार कर रहे थे हैं और पूरा उनको अनाउंस हुआ हुआ है, और ये इस वक्त टाइम है यूरोप और अमेरिका उन लोगों का। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपके नोट कर लेता हूँ। ये आपका जो है ना, जो भी आपका फार्मूला है, और इस पे मैं अपना जो भी सजेशन है वो इंशाल्लाह ताला ये इसी प्रोग्राम को फर्दर आगे बढ़ा के तो वो मैं पेश कर दूंगा आपकी खिदमत में। ठीक है, मैं कल सुबह इंशाल्लाह 11 बजे कॉल कर लूंगा। ठीक है सर? ठीक है मेरी जान, अगर बुरा नहीं मनाना। ठीक है, नहीं नहीं सर, सर मैं और आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। मेरी मैं तब मियाँ, उसका जब सोल्जियर में था तो डेली अल्लाह आपके प्रोग्राम देखता था। चलें, फिर ये है कि मैं आपको सऊदीया से ही कॉल समझ के, तो मैं ये आप ये अभी अभी आपकी फिर मैं कर लेता हूँ। लेकिन है वो बेचारे ना, मैं सिर्फ पता ना, हर जी एक जी क्योंकि अनाउंस हुआ हुआ है ना, तो वो फिर आपके वो सियालकोट के मस्कत वाले, उन्होंने कहना है कि डॉक्टर साहब आपने पाकिस्तानियों को ज़्यादा दे देते हैं, वो पाकिस्तानी काबू कर लेते हैं, अब सारी कॉल्स जो हैं हमें मिलती नहीं है। लेकिन ये है कि चलें अभी आप एक मिनट, अल्लाह अकबर, मैं थोड़ा सा बैठ के साथ साथ जो पिछली प्रोग्राम्स मैंने अपलोड नहीं की है ना अभी तक, वो मैं उनका वो टाइटल्स आजकल चूंकि उर्दू में दे रहा हूँ, तो वो मैं वो साथ साथ वो काम कर रहा था, तो इसलिए ज़्यादा कंसंट्रेशन मेरी जब यूरोप वाले उनका आती है कॉल तो उधर कर लेता हूँ, तो इधर पाकिस्तान वालों के, सच्ची बात है, बुरा नहीं मनाना, वो मैं कहता हूँ ये तो घर वाले हैं, खैर है, इनसे बाद में बात हो जाएगी, इनके लिए टाइम मैं 11 से 1 दिया हुआ है। हाँ जी, अब बात करें, क्या आपने फार्मूला बनाया जी? हेलो हेलो हेलो, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब सुनाओ खैरियत है? बिल्कुल ठीक हूँ, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? मस्कीन अली सियालकोट से। कल शाम को यूरोप का टाइम था तो इसलिए कल ड्रॉप हो गई थी। जी मेरी जान, फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? सर कुर्बानी के जानवर हैं तो उसको उनको मैं ना एक्स्ट्रा तैयार करना चाह रहा हूँ। ठीक, उनके लिए मैंने वंडा तैयार किया है, उसमें कोई सजेशन आपकी मैं चाहता हूँ। अगर अच्छा कुछ गलत है तो रहनुमाई फरमा जी दीजिएगा। मेरी जान, पूछें क्या 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 डाला है आपने? मैंने 30% उसमें मकई डाली है, अच्छा 25% कनोला मील है, ठीक 8% सोयाबीन मील है, ठीक आपने तो बड़ी कीमती चीज़ें डालनी शुरू कर दी हैं। अच्छा, और 17% राइस पॉलिश, हाँ सत्रह जी, परसेंट चोकर, चौकर कितना? अच्छा, सत्रह तो इसमें बाकी शीरा भी चार डाला है? किलो शीरा, 5 किलो, 5 किलो, ठीक है। अच्छा 4 किलो, 4 किलो इसमें मिनरल सोडा, डीसीपी और नमक, 1-1 किलो के हिसाब से। 1 1 किलो नमक भी, 1 किलो DCP पाउडर, 1 किलो कितना और क्या डाला है? मिनरल मिक्सचर, डीसीपी पाउडर, मीठा सोडा और नमक। और नमक। अच्छा, तो इसका प्रोटीन भी ठीक ठाक आपने कर दी है, और राइस पॉलिश भी ठीक है,
और उसमें चौकर चौकर डाला है, चौकर भी। 17%। हाँ ठीक है, और साथ कोई गला जात में से मकई या गंदम, ज्वार, जौ। मकई 30% है। बहुत ज़्यादा कर दी है, ये 10% कर दें, मकई 5 से 10% कर दें, ये ठीक दस है, दस परसेंट ये कर दें। गन्ने का शीरा कितना डाला है? 5%। 5% मिनिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन ना आप इन बिटवीन रहें 5 से, वो जो उधर से मैंने कम कराई है इधर शीरा थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। ठीक है, और कनौला ठीक कनौल, है। कनौला बिल्कुल ठीक है, आपने मैं कनौला डाल लें, कोई और जो भी। ये असल में ये खलें जितनी भी हैं ये प्रोटीन देती हैं, लहमियाती खलें हैं, और ये जितनी है, अच्छा है, ये इसकी रेंज 15 से लेके ना 45% तक मैं रखता हूँ। कनौला की हाँ रेंज है, रेंज अगर आप करेंगे ना, आप बेहतर है कि मुझसे रेंज ले लें, रेंज रखें और उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक है, ठीक है, खलें जो हैं ठीक है। ये कनौला इनकी रेंज रखें 15 से लेके 45 तक है। भी सोयाबीन भी खल नहीं आएगा को ना? ये भी सोयाबीन का खली है ना, सोयाबीन क्या मतलब, सोयाबीन वैसे है, बीज है, नहीं, बीज तो नहीं है। तो सोयाबीन की खल है ना, खल 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 सोयाबीन होगी ना, खली है। हाँ जी। या सोयाबीन पाउडर है, क्या है, किस जो है किस चीज में वो मिल रहा है आपको? सोयाबीन मेल मिल रहा है सो 84 हाँ पर केजी सो के हिसाब से। सोयाबीन मील है, अक्सर हम लोग ये डलवाते हैं, ये जो खुराक बनाते हैं ना ब्रायलर्स की, या इवन ज्यादातर तो ब्रायलर्स में ही होता है, लेयर्स में चंद कम ही होता है, लेकिन सोयाबीन मील है, ये मुर्गियों में खासा ये वजन बढ़ाने में ना मदद देता है सोयाबीन मील ये, लेकिन उसका भी वो 9% से ज्यादा नहीं जाते। तो आपके 8 रखा। 8 रखा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप, ये करें। और बाकी आपने सारा सही कर दिया है, और नमक जो है वो 1 किलो कर दिया है, और ठीक इसमें है DCP पाउडर 1 किलो की है, जी। मिनरल मिक्सचर वो भी 1 किलो, तो बस ठीक है। सस्ता तो नहीं ना, आप पैसे के ऊपर तो जाना नहीं चाह रहे, अगर पैसे पे जाना चाहें तो इसको सस्ता कर सकते हैं, और वो फिर यूरिया खाद वो पानी में मिला के घोल के, फिर वो उसके बाद शीरे में अच्छी तरह मिलाते हैं, फिर वो डाल देते हैं, फिर उससे ये सस्ता हो जाता है। डॉक्टर साहब, असल में ये कुर्बानी का हलाल माल है, तो उसकी वजह से, यूरिया की वजह से कुछ जानवरों में मसाइल पैदा हो जाएंगे। मसाइल पैदा हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे अगर वो ज़्यादा खा जाए तो जहरीलेपन का भी शिकार हो जाते हैं, और इसलिए बेहतर है कि ना ही करें। और ये जो आपने बनाया है, मैं इसको दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके काम, आपने मुझे कल बताया था कि मैं आपका मुकाबला कोई हो रहा है किसी के साथ है, चाहे आप चाहते हैं कि उससे बेहतर हो, लेकिन यह है कि इनको कभी ऑयल जरूर दे दिया करें, हफ्ते में 2 दफा, गर्मियां हैं, गर्मियों में जो तेल है ना, तेल इनको सरसों का, सरसों का, सर ये वनडे में खा जाते हैं, मैं तकरीबन ना हफ्ते में 4 दिन 100 ग्राम पर एनिमल के हिसाब से डाल रहा हूँ। वेरी गुड, वो हफ्ते में 2 दफा डाल लें, और 100 ml ठीक है, और वो वनडे में ही डालें, जिस तरह भी है, हमने खिलाना है, हमारा मकसद ये होता है के खिला दिया जाए, इसको पिला दिया जाए या खिला दिया जाए, बेहतर ये होता है वनडे में, अगर खाते हैं वनडे में ही ज्यादा बेहतर है। और इनको चारा भी, सब चारा मिल रहा है, वापर वाफर है, बरसाती वेरी गुड। तो आजकल क्या बरसीम वगैरह दे कर रहे हैं, लूसन है, क्या जई है, बरसीम बरसीम है, जौंदरी वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, उसमें ना मिक्स करके जो कास्ट किए हुए थे वो आ रहे हैं, तकरीबन उसमें 15% है। 15% ठीक है, इस इनको बस ये है ना बरसीम, और वो चारा जौ का ही बेशक, वो चाप करके अच्छी तरह वो दें, ये जो जो बढ़ते जाएंगे इनकी जो होती है
क्या कहेंगे, क्वांटिटी मकदार वो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जो बछड़े ना उनका लाइव वेट अभी जो जिंदा वजन है वो 450 से ऊपर है, 500 और 450 के दरमियान है, तो माशाल्लाह। बड़ा कितना दे लो। देखें उनको स्टार्ट में तो थोड़ा देते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन लेकिन 4-5 किलो हो गया ना, 8 किलो तक तो ले जाए ना, 8 किलो तक दे सकते हैं। 8 किलो तक ले जा सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। जो ही कद वो बढ़ाते जाते हैं वजन, और इसी तरह उनका खुराक भी बढ़ाते जाते हैं हम। सही, ठीक 5 किलो है, दे रहा हूं अभी, हैं 5 किलो 5 जगह दे 5 रहा हूं। किलो बहुत है। आहिस्ता आहिस्ता जो जो इनका बढ़ता जाएगा, जसामत बढ़ती जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ आपने ज्यादा करते जाना है। 8 किलो मैक्सिमम कर लो। ठीक है, हमारे एक ना इलाके के डॉक्टर है, उन्होंने मुझे डरा दिया था कि आपकी प्रोटीन लेवल बहुत ज्यादा हो गई है, जानवर वॉल्ट करेंगे। अल्लाह अल्लाह मैंने अल्लाह अल्लाह फजल करेगा, फिक्र नहीं करना। आपने बस साथ ये कैल्शियम और फास्फोरस का सोर्स जो होता है ये बढ़ाते रहना है, और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट आएंगे आपके। सर फास्फोरस का क्या सोचता है, कैल्शियम का? वही है जो DCP पाउडर दिया हुआ है, डाई कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम भी है फास्फोरस भी है उसमें। आपने ऑलरेडी उसमें काफी सारा दिया हुआ है, और कोई मसला नहीं है, फिक्र नहीं करना। पानी जो है इनके पानी के हौज हैं उनमें अनबुझा हुआ चूना 1-1 लीटर उसका पानी मिला दिया करो। पानी अगर तो हो ना खारा तो उसमें तो मिलाना चाहिए, अगर खारा नहीं है, मीठा पानी है, तो कोई खास जरूरत नहीं है। लेबोरेटरी टेस्ट करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंसानों के पीने के काबिल है पानी की तो मात्रा का। बस ठीक है, अगर सही है तो फिर क्या जरूरत है, और अगर है वैसे ही रखना चाहते हैं तो रख दिया करें, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है सर, दुआओं बहुत में बहुत यार, आपको मतलब दुआओं में यार, शुभकामनाएं सर। मेरी जान मेरी जान, दुआओं में याद रखें, और पूरे सियालकोट को सलाम। आपका नाम पूरा क्या है? मस्कीन अली गुम्मन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अच्छा, ओ यार वो कभी गए ना असलम गुमन है, ब्रिगेडियर असलम गुमन, जी। उनको मेरा सलाम देना है, कहना है डॉक्टर अशरफ साहब ज्यादा याद करता है। वो मुझसे ठीक है सर, इससे 1 साल सीनियर थे, हम इकट्ठे पढ़े हैं, और उसका जो छोटा भाई है ना आसफ, आसफ मेरा कुलीग रहा है, आजकल इधर ही है, अभी तो इन सर्विस है। अच्छा, असलम हाँ, गुमन साहब हमारे इस दफा पीटीए की तरफ से एमएनए थे। अच्छा, बहरहाल मैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, बहरहाल के दुआओं में याद रखे। ठीक है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, जो शख्स भी हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा, उसके लिए जन्नत में जाने के लिए मौत के अलावा कोई चीज़ यानी रुकावट नहीं होगी। यह निसाई से मैं कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। ये चैनल पाकिस्तानी ज़राअत से मुताल्लिक मालूमात का एक अनमोल खजाना, जिसमें फसलात, सब्जियात, बागात, कुदरती वसाइल, ज़रई मशीनरी, हैवानात, मुर्गबानी, माहीगीरी, मत्स्यबानी और किसानों के रोज़मर्रा मसाइल का हल मुल्क के मारूफ ज़रई साइंसदान डॉक्टर अशरफ साहिबजादा रोज़ाना दिन 11 बजे से 1 बजे बाद दोपहर माँ सवाए जुम्मा के बताते हैं। फोन नंबर 0333-512-1879।